हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आज इसको हम बनाएंगे विदाउट यूजिंग हेडर फाइल एंड वी विल यूज एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल वेरिएबल को यूज करके हम कैसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि stdio.h और math.h ये सारे फाइलें आपको इंक्लूड करनी पड़ गई थी। ठीक, तो अब इसको कैसे हम शुरू करेंगे कि देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा कि किस चीज़ का प्रोग्राम बनाने जा रहा है, पहले वो लिख दीजिए। कि सिंपली हमने कहा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम ए सी प्रोग्राम फॉर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम यूजिंग एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को यूज करके कैसे हम सी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम सबसे पहले हमने कमेंट लाइन लिख दिया, तो हमने लिखा यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिफाइन किया एक्सटर्न, डिक्लेयर किया इंटीजर, यहाँ हमने लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन को ही हमने यहाँ एक्सटर्नल वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर दिया। मतलब क्या हुआ, लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर दूसरा वेरिएबल हमने डिफाइन किया यहाँ पे एक्सटर्न, फिर यहाँ हमने लिखा इंटीजर और स्कैन एफ। यहाँ पे फिर हमने लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया, इसको आप लिख लीजिएगा लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर आपने यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन किया एक्सटर्नल, एक्सटर्न आपने लिखा डबल, फंक्शन का नाम हो गया POW पावर, और फिर दो आर्गुमेंट हो गए इसके डबल और डबल, ये डिक्लेयर हो गया। तो ये भी हमारा तीसरी लाइन भी यही हो गई, लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक, ये हमने तीनों वेरिएबल यहाँ पे तीनों फंक्शन जो है प्रिंट एफ, स्कैन एफ और पावर, ये तीनों फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब हमने यहाँ से शुरू किया मेन, यहाँ हमने वेरिएबल डिफाइन किए फ्लोट पी आर एन आई एफ। ठीक है, फिर ये कमेंट लाइन में हमने लिख दिया रीड इनपुट डेटा इंक्लूडिंग प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब हमने कहा कि प्रिंट एफ प्लीज एंटर अ वैल्यू फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमने यहां लिखा प्लीज एंटर ए वैल्यू फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, और ये कॉलन लगा के कोट्स क्लोज, ये प्रिंट एफ लाइन हो गई। फिर अब इसकी वैल्यू एंटर भी करानी है, तो हमने लिखा स्कैन एफ और परसेंटेज एफ
एम परसेंट पी, ये प्रिंसिपल अमाउंट एंटर हो गया। उसके बाद फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको इनपुट करना है, तो फिर हमने कहा प्रिंट एफ, प्लीज एंटर ए वैल्यू फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आर की वैल्यू जो है आप यहाँ पे एंटर कीजिए। फिर इसको स्कैन एफ किया हमने, परसेंटेज, इसको फ्लोट डिफाइन किया है तो एफ लिखा, एम परसेंट आर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट हो गया। फिर रह गया नंबर ऑफ इयर्स, तो फिर हमने लिखा प्रिंट एफ प्लीज एंटर ए वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एन के लिए। तो फिर इसको स्कैन एफ किया हमने, यहाँ पे लिया परसेंटेज एफ, एम परसेंट एन, ये आ गया नंबर ऑफ ईयर इनपुट हो गए। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट आई और देन एफ। तो यहाँ पे हमने लिखा कैलकुलेट आई एंड देन एफ। ठीक है, अब आई कैसे कैलकुलेट हो, तो आई तो सीधा सीधा हो गया आर डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया, और एफ इज इक्वल टू हो गया पी इंटू, फिर हमने यहाँ पावर फंक्शन कॉल कर लिया पी ओ डब्ल्यू, और इसको कॉल किया हमने किसके लिए, 1 प्लस आई कॉमा एन के लिए। ठीक है, और फिर ये हमारा एफ कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो यहाँ हम कर देंगे डिस्प्ले द आउटपुट, आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिस्प्ले आउटपुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ द फाइनल, मान लीजिए स्लैश एन दे दिया हमने, द फाइनल वैल्यू एफ इज हो गया आपका परसेंटेज टू एफ स्लैश एन और कोट्स क्लोज कॉमा, यहाँ हम लिख देंगे एफ। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है आप बगैर हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और हैश इंक्लूड बैट डॉट एच के भी आप एक्सटर्नल वेरिएबल की मदद से बना सकते हैं। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि देखिए इस प्रोग्राम को भी आप, यू कैन कंपाइल दिस प्रोग्राम इन द सेम वे एज द प्रोग्राम विच वॉज टॉट इन द लास्ट लेक्चर, पिछले वीडियो लेक्चर में जो प्रोग्राम, यही प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया था, यहाँ हमने कोई हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो उसको कंपाइल करने में, चाहे उसी जैसे आपने उसको कंपाइल किया था वैसे ही आप इस प्रोग्राम को भी कंपाइल कर सकते हैं, एंड इट विल जनरेट द सेम आउटपुट व्हेन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इन प्रैक्टिस द यूज ऑफ सच प्रोग्रामर सप्लाइड फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट डन हाउएवर एज इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट प्रोवाइड्स एडिशनल सोर्सेज ऑफ एरर। तो जनरली ये टेक्निक नहीं यूज की जाती है क्योंकि ये अननेसेसरी एडिशनल सोर्सेज ऑफ एरर हो जाता है इसमें। मोर ओवर द एरर चेकिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस विल बी लेस कॉम्प्लीट बिकॉज द आर्गुमेंट टाइप्स आर नॉट स्पेसिफाइड फॉर द प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन। द मैनर इन विच आर्गुमेंट टाइप्स आर स्पेसिफाइड अंडर दीज कंडीशन, ठीक है, दैट मैटर्स ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और यू कैन से मशीन इंडिपेंडेंस इज ए सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन दिस अप्रोच टू द यूज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन एंड हेडर फाइल्स। तो मेन फायदा होता है अगर इस अप्रोच से आप प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो वो प्रोग्राम जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है या मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मशीन डिपेंडेंट फीचर्स है
लाइब्रेरी फंक्शन का या करेक्टर कांस्टेंट का या माइक्रोस का, ठीक है, दैट वॉज इंक्लूडेड विद इन द हेडर फाइल्स, ठीक है। तो इस तरह से भी आप उस प्रोग्राम को एक्सटर्नल वेरिएबल की मदद से बना सकते हैं, हालांकि ये एक जनरल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।